जिला कुल्लू के पतली कोहल में 15 मील के पास शनिवार को कबाड़ इकट्ठा कर रहा एक युवक ब्यास नदी में बह गया। ये युवक ब्यास नदी में कबाड़ इकट्ठा कर रहा था, उसी समय अचानक नदी में पानी का बहाव तेज हो गया और युवक तेज धारा के साथ बह गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उन्होंने युवक को ब्यास में बहते देखा। कुछ लोगों ने इस घटना का वीडियो भी बनाया। गौर हो कि ब्यास नदी में आजकल पानी का बहाव बेहद ज्यादा है, जिस कारण युवक ब्यास में बहते ही चला गया। हालांकि कुछ देर तक युवक ने हार नहीं मानी और खुद को बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन इसमें सफल नहीं हो पाया। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को तलाश करने में जुट गई, लेकिन युवक का कोई सुराग नहीं लगा। ब्यास में बहे युवक का नाम सतरूल बताया जा रहा है। वो चंपारण बिहार का रहने वाला है और 15 मील में अपने जीजा वकील बेवाव के साथ किराए के मकान में रहता है। सतरूल रोजी रोटी के लिए कबाड़ इकट्ठा कर उसे बेचने का काम करता है। युवक के जीजा वकील बेवाव ने बताया कि वो लोग गांव लखनिया थाना ब्रह्मपुरा जिला पश्चिमी चंपारण बिहार के रहने वाले हैं और पिछले 4 साल से कबाड़ का काम करते हैं। पुलिस युवक की तलाश में जुटी हुई है। पतली कोहल थाना प्रभारी राजीव लखनपाल ने बताया कि युवक की तलाश जारी है, नदी किनारे सर्च अभियान चलाया गया है। उन्होंने बताया कि युवक की तलाश के लिए 2 टीमों का गठन किया गया है। नदी के दोनों किनारों पर युवक की तलाश जारी है। अगर रात तक युवक का पता नहीं चलता तो रविवार सुबह फिर सर्च अभियान चलाया जाएगा। हिमाचल और देश दुनिया से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज़, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।